ये अब तक का कश्मीर को लेकर बेस्ट न्यूज है। इसराइल भारत के साथ मिलकर पीओके के लिए कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और हाल ही में हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पहली बार कश्मीर की धरती से ही डंके की चोट पर ये कह दिया है, अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। एंड नहीं, इंडिया के पास एक्चुअली इसके लिए एक प्लान भी है। इवन टॉप इंडियन आर्मी जनरल ने भी ओपनली ये बयान दे दिया है, एज फार एज इंडियन आर्मी इज कंसर्न, Indian Army will carry out any order which has been given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. अब इंडिया का ये ऐलान पाकिस्तान के लिए ही कम नहीं था कि इसराइल ने भी कश्मीर में अपनी एंट्री अनाउंस कर दी है। Yes, इंडिया के खास दोस्त और पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन इसराइल ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि वो कश्मीर में दो बड़े एग्रीकल्चरल सेंटर्स खोलने वाला है और इजरायली ऑफिशियल्स ने तो इसके लिए फील्ड विजिट्स भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। एंड माइंड यू, दिस इंक्लूड्स एरियाज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ऑल्सो। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये दो सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस में कश्मीरी फार्मर्स के साथ सुपर एडवांस इजरायली टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, वही टेक्नोलॉजी जिसने इसराइल जैसे एक डेजर्ट कंट्री को आज एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर बना दिया है। पर अब जरा सोचो, एक तरफ ये मिलीभगत हो रही है, इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? वेल, वहां पर बैठे आतंकी संगठनों ने कश्मीरियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है कि कोई भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन या किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं देगा। इसराइल और भारत की इस दोस्ती से पाकिस्तान डर गया है और ये आप पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइन से साफ समझ सकते हो। पर ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो कुछ सालों से भारत कश्मीर को लेकर काफी सीरियस हो चुका है। बात तो यहां तक आ चुकी है कि इंडिया में अगर किसी ने गलती से भी मैप में पीओके को इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया तो उसे 7 साल की जेल या 100 करोड़ का फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा याद है जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में उत्तेजित होकर ये कह दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। Well, he was clearly not kidding. मैप तो सिर्फ एक एग्जांपल है। हाल ही में कश्मीर के 9000 फीट ऊंचे पहाड़ों में एक मेगा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी हुआ था, यानी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पहली बार ये तीनों एक साथ मिलकर कश्मीर में वॉर एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए। आज कश्मीर दुनिया का सबसे मिलिटराइज्ड रीजन बन चुका है एंड इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि वहां पर मैरिज हॉल्स को भी मिलिट्री बैरक्स की तरह यूटिलाइज किया जा रहा है ताकि अगर कभी भी वहां पर जंग छिड़े तो हथियारों की कमी ना हो। पर सिर्फ डिफेंस ही नहीं, आज इंडिया सर उठा के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर सारे देशों को ये क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि भारत कश्मीर का ये इशू वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व करके ही रहेगा, वो भी खुद के इनिशिएटिव से। रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को कॉन्डेसेंडिंगली ये कहा गया था, लेट्स होप टू डेमोक्रेसीज इफेक्टिवली मीनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान कश्मीर के इशू को अच्छे से रिजोल्व कर लेंगे, तो इस पर जयशंकर जी ने बहुत ही स्मार्टली रिप्लाई दिया, डोंट वरी सेनेटर, वन डेमोक्रेसी विल सेटल इट एंड यू नो व्हिच वन। और अगर हम बात करें टाइमिंग की, जो कि जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये टाइमिंग परफेक्ट है बिकॉज इसी साल इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बना है और एक मास्टर स्ट्रोक डिसीजन ले भी लिया, G20 मीटिंग्स के कुछ मीटिंग्स कश्मीर में कंडक्ट किए जाएंगे। सो ऑल इन ऑल इंडिया की कश्मीर मुद्दे पर इसी टैक्टफुल डिप्लोमेसी का नतीजा है कि अब कश्मीर में अराउंड 51,000 करोड़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली इसमें से सबसे बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट करने वाले पाकिस्तान के फेलो इस्लामिक नेशंस है, UAE और सऊदी अरब। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इन इन्वेस्टमेंट्स में से 36,000 करोड़ को इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर अलॉट किया गया था। नतीजा, कश्मीर में नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है जिससे मुनाफा पैन इंडिया लेवल पर होगा और अभी भी इंडिया ओपनली कई इंटरनेशनल डेलीगेट्स को कश्मीर में इनवाइट करते रहता है जस्ट टू शो देम कि यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर USA, EU, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज के सक्सेसफुल विजिट्स भी हो चुके हैं। इसमें भी इंटरेस्टिंगली रशिया ने तो आज तक अपना डेलीगेशन ही नहीं भेजा, ये कह के कि हमें इंडिया के कश्मीर पॉलिसीज पर पूरा ट्रस्ट है, जो अगेन इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज सेट करती है। लेकिन कमिंग बैक टू इसराइल, तो इंडिया का कश्मीर में इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलवाना उसी कश्मीर की तरक्की के दिशा में एक मेजर कदम है। वैसे तो पिछले 10 साल से इंडो इजरायली एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट IAAP के थ्रू दोनों देश कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसका बाय द वे सक्सेस रेट बहुत ही हाई है। इजरायली टेक्नोलॉजी के वजह से हरियाणा में टोमेटोज, कैप्सिकम और क्यूकम्बर का कल्टीवेशन 5 टाइम्स बढ़ चुका है और वो भी 65% कम पानी यूज करके। अब बस जरा सोचो, यही मिराकुलस टेक्नोलॉजीज कश्मीर के स्टेपल क्रॉप्स जैसे कि एप्पल्स, वॉलनट्स और सैफरन को अगर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए फिट बना पाएगी
तो इसमें कश्मीर की इकोनॉमी को कितना बड़ा पुश मिलने वाला है। और ये मत समझना इंडिया और इसराइल की दोस्ती बस यहीं तक सीमित है, ये तो सिर्फ एक पहलू है, फ्रेंडशिप तो बहुत ही गहरी है। ये काफी कम लोगों को पता होगा लेकिन 2013 में इसराइल की एलीट स्पाई एजेंसी मोसाड ने 1993 मुंबई ब्लास्ट का दोषी दाऊद इब्राहिम का लोकेशन ट्रेस कर लिया था, विच वॉज समवेयर इन अगेन पाकिस्तान कराची। लोकेशन पता लगते ही मोसाड ने इमीडिएटली रॉ को अलर्ट किया और रॉ भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए कराची पहुंच गए थे और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने ही वाले थे कि लास्ट मोमेंट में एक फोन आया सेइंग मिशन एबॉर्ट। अब ये किसी को सर्टेनिटी से नहीं पता कि वो फोन किसका था, बट एक दिग्गज इंडियन लीडर का था। बट एनीवे मोसाड का इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पकड़वाने में ये एक इंस्ट्रूमेंटल रोल था। ऐसा भी कहा जाता है कि 26/11 के हमले की खबर मोसाड को पहले ही पता चल चुकी थी और मोसाड ने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को वार्न भी किया था। ये बात अलग है, इंडिया ने वार्निंग सीरियसली वो वक्त नहीं ली थी, लेकिन मोसाड का इंटेल बिल्कुल ऑन स्पॉट था और इन सभी चीजों के वजह से इंडिया को मोसाड पर इतना ट्रस्ट हो गया है कि कहा जाता है टर्की में हुए G20 समिट में मोसाड ने ही पीएम मोदी की सिक्योरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। इसके अलावा भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में भी साथ दे। और अगर आप इतिहास निकाल के देखो तो इसराइल ने हमेशा अपने आप को इंडिया के बुरे वक्त का दोस्त साबित किया है। 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से इसराइल ने इंडिया को आर्म्स और एमिनेशंस भिजवाए थे, एंड माइंड यू ये आर्म्स एक्चुअली ईरान के लिए थे, लेकिन इंडिया को अर्जेंटली जरूरत पड़ गई इसीलिए इसराइल ने उसे डाइवर्ट करके इंडिया भेज दिया। 1991 के कारगिल युद्ध में भी जब कोई भी देश इंडिया की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा था क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को बैक कर रहा था, इसराइल ने डायरेक्टली इंडिया की मदद की। इसराइल के खास हाई प्रिसिशन लेजर गाइडेड मिसाइल्स की वजह से ही इंडियन एयरफोर्स कारगिल पहाड़ों के हाइट्स पर छुपकर बैठे पाकिस्तानी सोल्जर्स पर अटैक कर पाई। लेट मी टेल यू, अमेरिका ने बहुत कोशिश की इन मिसाइल डिलीवरीज को डिले करवाने की, बट इसराइल ने ये नहीं होने दिया। फिर 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद जब इंडिया पर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए थे तब भी इंडिया के आर्म सप्लाई में कोई भी कमी नहीं आई क्योंकि इसराइल हमारे सारे डिफेंस नीड्स पूरे करने लगा। और ये मत भूलो कि इंडिया के हिस्टोरिक बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में IAF ने इसराइली स्मार्ट बॉम्ब से ही टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को ढेर किया था। इसके अलावा भी इसराइल ने तो अनअपोलोजेटिकली ये कह दिया है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। प्लस इसराइल ने ओपनली इंडिया को टेररिज्म से लड़ने के लिए अपना अनकंडीशनल सपोर्ट भी ऑफर किया और ये सब के पीछे एक मेन रीजन है, इंडिया एंड इसराइल आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन एनिमी। 2017 में जब नरेंद्र मोदी इसराइल जाने वाले पहले इंडियन प्रधानमंत्री बने तब क्वाइट इंटरेस्टिंगली उनको सबसे पहले मिलाया गया मोशे से। मोशे 2 साल के एक बच्चे थे जब उनके पेरेंट्स 26/11 को नरीमन हाउस पर हमले में मारे गए। अब पीएम मोदी को मोशे से मिलवाना इसराइल के तरफ से एक बहुत ही सिंबॉलिक मूव था, जस्ट टू शो कि मोशे सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है, वो एक रिमाइंडर है इसराइल और इंडिया के कॉमन एनिमी का जो कि है टेररिज्म। इंडिया के केस में पाकिस्तान मैन्युफैक्चर टेररिज्म टू बी स्पेसिफिक, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो 1980s में तो इंडिया और इसराइल मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर को बॉम्ब करने वाले थे। टारगेट पर था पाकिस्तान के कहूटा का अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर। इसराइल ऑलरेडी दुश्मन देश इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर सक्सेसफुल अटैक कर चुका था और इसीलिए उसे एक्सपीरियंस था, लेकिन इसराइल को बस ये डर था कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एमिनिटीज इराक को पहुंचा सकता है। इनफैक्ट इसराइल के पास पाकिस्तान के सीक्रेट रिएक्टर के डिटेल्ड सैटेलाइट फोटोग्राफ्स भी थे और IAF ने तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करना शुरू कर दिया था। प्लान पूरी तरीके से तैयार था कि इजरायली प्लेन्स जामनगर एयरबेस से टेक ऑफ करते और हिमालय के थ्रू पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसते। ये प्लान को पीएम इंदिरा गांधी ने अप्रूव भी कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली US और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को इसकी भनक पड़ गई और जस्ट लास्ट मोमेंट पर द प्लान वॉज कॉल्ड ऑफ और पाकिस्तान बाल बाल बच गया। बट फ्रेंड्स, अब इसमें नेचुरली एक दूसरा सवाल उठता है कि इसराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन। Well, just look at this. ये है पाकिस्तान का पासपोर्ट। इस पे सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, This passport is valid for all countries of the world except Israel. और अगर इसके खिलाफ कोई पाकिस्तानी आवाज उठाए तो उन्हें सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है। In fact, पाकिस्तान के कई स्कूलों में सबसे पहली सीख तो ये दी जाती है कि हिंदूज आर काफिर्स एंड ज्यूज आर एनिमीज ऑफ इस्लाम। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान अब तक इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता एज अ कंट्री।
होगी। ये सब इंसिडेंसेस एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं कि अगर इंडिया के बाद पाकिस्तान को किसी से नफरत है तो वो है इजराइल। और इस दुश्मनी की जड़ दोनों भी कंट्रीज के आइडियोलॉजीज में ही है। दोनों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है। एक ज्यूइश स्टेट है और दूसरा इस्लामिक। बेसिकली पाकिस्तान का इंडिया के बारे में जो सोचना है वैसा ही कुछ इजराइल के बारे में भी सोचना है। मतलब उसे जैसे लगता है कि इंडिया ने मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर पर कब्जा किया है, वैसे ही इजराइल ने भी मुस्लिम डोमिनेटेड पैलेस्टीन पर इलीगली कब्जा किया हुआ है। सो वो इजराइल को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक वो पैलेस्टीन को फ्री नहीं कर देते। इनफैक्ट इजराइल ने जब भी कोई वॉर लड़ा था पाकिस्तान हमेशा ऑपोजिट कंट्री को हेल्प करता था। पाकिस्तान को इजराइल इतना नापसंद है कि कुछ पाकिस्तानियों को तो ये भी लगता है कि बालाकोट स्ट्राइक में इंडिया ने इजरायली पायलट्स को ही भेजा था। सो अब फ्रेंड्स आई थिंक ये सब क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि क्यों पाकिस्तान इजराइल की कश्मीर में एंट्री से तिलमिलाया हुआ है। सो पीओके पर इजराइल का इंडिया को सपोर्ट एकदम साफ है, आप लोग ने देखा। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान को फिलहाल कश्मीर और कश्मीरियों पर से नजर हटा के अपने देश और अब उसकी इकोनॉमी पे डालना चाहिए। क्या आप अवेयर हो कि चाइना अपने एग्रेसिव स्ट्रेटजीज के तहत धीरे धीरे करके पाकिस्तान को खरीद रहा है? वेल फ्रेंड्स, चाइना ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली कर रहा है और इस पूरी स्ट्रेटजी को हमने हमारे इस वीडियो में अनकवर किया था, जिसे आप देख सकते हो इस पे क्लिक करके। अब पीओके की बात करते हुए आपको क्या लगता है, अगर इंडिया पीओके को कैप्चर करने के लिए कोई जंग छेड़ देता है तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया का साथ देगी? इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग आज के तारीख में काफी स्ट्रांग हो चुकी है। सो कौन होंगे इंडिया के साइड और कौन होंगे पाकिस्तान के साइड, कमेंट्स में बताना। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट बाय फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।